आज मध्य प्रदेश शासन एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग से कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं भोपाल दिनांक 14/2/2023। राज्य शासन नेता द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी ग श्रेणी, राजव श्रेणी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ख श्रेणी के पद पर 1/1/15 की स्थिति में दिनांक 22/6/15 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू DPC 27/1/23 के कार्रवाई के विवरण में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित मुख्य नगर पालिका अधिकारी ग श्रेणी राजस्व निरीक्षकों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी ख श्रेणी के पद पर वेतनमान 15,639,100 ग्रेड पे 5400 में पदोन्नत करता है। आप देख सकते हैं इसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनके नाम हैं, वर्तमान पदस्थापना और नवीन पदस्थापना दी हुई है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो नियम है यह पदोन्नति कैलेंडर वर्ष 2015 की स्थिति में की गई है, अतः उक्त पदोन्नति का लाभ दिनांक 1/1/15 से दे होगा, किंतु दिनांक 1/1/15 से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि का कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर वेतन एरियर्स दे नहीं होगा, किंतु काल्पनिक वेतन निर्धारण की पात्रता होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार उक्त पदोन्नति की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं पदोन्नति से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट शासकीय कर्मचारियों को मिला है। अब उम्मीद यही है कि अन्य विभागों में जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग में भी DPI ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं जिसमें कि शासकीय शिक्षकों को अगले उच्चतर पद पर कार्य करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ अब अन्य विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट होती दिखेगी या नहीं। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।